subscribe to our channel, and hit the bell icon to never miss a video from us. तो जैसा सर ने आपको बताया ना, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। एक तो बहुत अच्छे सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, और स्किल बेस्ड कोर्सेज वो हैं जो जॉब मार्केट में रिक्वायरमेंट्स हैं। सर ने एक अच्छी चीज शुरू में बोली, वी स्किल्स का फोकस है सर्विस सेक्टर के ऊपर, और जैसे दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में, गुड़गांव में, बाकी दिल्ली के बाहर पूना में बीपीओ सेक्टर, इंडिया में जो बीपीओ सेक्टर है, वॉइस, नॉन वॉइस, बैक ऑफिस, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बड़ी सारी मल्टीनेशनल्स हैं। मैंने खुद इन मल्टीनेशनल्स में काम किया, इन बीपीओस में काम किया है। इन बीपीओस में यदि आपको एंट्री चाहिए तो आपको अगर स्किल्स आपकी आती हैं, पहले तो ये सर्टिफिकेशंस अवेलेबल ही नहीं होती थी, तो कंपनी क्या करती थी, आपको हायर करने के बाद इन हाउस ट्रेनिंग्स देती थी। लेकिन यदि आपके पास ऑलरेडी ये ट्रेनिंग्स हैं, आप सर्टिफाइड हैं, कल को कोई इनमें रिक्वायरमेंट, कंपनीज में रिक्वायरमेंट निकलती है, एक सीवी में लिखा है ही और शी इज अ ग्रेजुएट, और आपके सीवी में लिखा है यू आर ग्रेजुएट विद अ वी स्किल सर्टिफाइड अकाउंटिंग, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, योर सीवी डेफिनेटली हैज अ हेड्स अप एडवांटेज। दूसरा, एक सर ने बड़ी अच्छी बात बोली, इंटरनेशनली ऑल्सो इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, डेटा बेस, डिजिटल मीडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनकी इंटरनेशनली, जैसे आईटी में तो आप सुनते ही हैं, नॉट ओनली विद इन इंडिया, ग्लोबली देर इज ह्यूज डिमांड इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, खासतौर पर यूरोप में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, अक्रॉस यूएस। तो अगर यू आर लुकिंग फॉर एन इंटरनेशनल कैरियर, दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ कैरियर पाथवे इन आईटी एंड इन अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो, ऑल्सो एट अ वेरी लो कॉस्ट। जैसे यदि वेब डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट पे आप क्लिक करेंगे इनके वेबसाइट पे, देर आर मेनी कोर्सेज एंड द प्राइसेज आर वेरी वेरी इकोनॉमिकल। और हमारा ये जो एमओयू प्रपोज्ड है वी स्किल्स के साथ, इसके अंदर हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल प्राइस है, विच इज अ रिड्यूस्ड एंड अ डिस्काउंटेड प्राइसेज, सो दैट आप मैक्सिमम नंबर पे इन कोर्सेज को कर सके और बेनिफिट ले सके। मेरे ख्याल से आपको ये शायद व्यू हो रहा है, आप सब कुछ दिख रहा दिख जी। हाँ हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट स्टार्ट की वी स्किल्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो वी स्किल्स क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज वी स्किल्स। वी स्किल्स एक असेसमेंट और सर्टिफिकेशन की बॉडी है, इंडियन पीएससी है, आईसीएसआईएल, ये उनके थ्रू हमारे सर्टिफिकेट्स अटेस्ट होते हैं, और गवर्नमेंट प्रमोटेड इनिशिएटिव है लर्निंग में, ताकि जो भी वर्कफोर्स है उनको, या जैसे आप, जैसे सर ने बताया कि आप सबके पास एक नॉर्मल एक ग्रेजुएट डिग्री है, आपको एक्सेल आती है, लेकिन आपके पास एक्सेल का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ऐसी बॉडीज है जो कि अटेस्ट कर सके कि आपको एक्सेल की नॉलेज है। तो वी स्किल्स इसी गैप को फिल करता है, आपको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ताकि आप मार्केट में यदि कहीं भी अपना जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो एम्प्लॉयर है उसको ये क्लैरिटी रहती है कि आपको एक थर्ड पार्टी से आप असेस्ड हैं, और आपको एक्सेल रिलेटेड स्किल्स आपके आपके पास हैं। और सेकेंडली, हमारे पास जैसे हमारा एक अपना इनिशिएटिव भी है जॉब बोर्ड का, तो जॉब बोर्ड के अंदर हमारे अपने भी कंपनीज हैं जिनसे हमारा टाई अप है, जिसमें monsterindia.com है, shine.com है, ये दो सबसे बड़ी जॉब की वेबसाइट्स हैं। जो भी कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पर एग्जाम क्लियर करते हैं, उनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के अलावा इन दोनों वेबसाइट्स पे प्रोमिनेंट हाईलाइटिंग की जाती है उनके सीवीज की और उनके डिटेल्स की, ताकि कोई भी एम्प्लॉयर यदि ग्लोबली या इन इंडिया यदि वो एक्सेल स्किल्स या जो भी स्किल्स वी स्किल्स सर्टिफाई करी हैं उन पर यदि जॉब ओपनिंग्स हैं, तो वो आपको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। और इनके अलावा हमारे पास अपना एक जॉब बोर्ड भी है, जहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको हमारी तरफ से ईमेल्स जाती रहती हैं, जो जो भी वैकेंसीज हमारे कॉर्पोरेट्स हैं जिनके साथ हमारा टाई अप है, उनके थ्रू जो जो भी हमारे पास ऑन एंड ऑन बेसिस ओपनिंग्स के डिटेल्स आते हैं, वी ऑल्सो शेयर देम एज वेल। सो हमारा मेनली विजन है कि वी फोकस ऑन टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, सो दैट जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट में एक ये बहुत बड़ा गैप है कि आपको स्किल्स यदि मालूम भी हैं, तो भी आप मार्केट में आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि यू आर स्किल्ड इन सच अ स्पेसिफिक स्किल सेट, और वी स्किल सर्टिफिकेशन एड्रेसेस दैट वेरी गैप। तो यही, और हमारा जो मिशन है वो भी यही है, इंडस्ट्री लेवल रेलिवेंट स्किल्स होनी चाहिए, ताकि आप यदि सर्टिफिकेट लेकर मार्केट में जाते हैं तो आपको उससे रिलेटेड जॉब जल्द से जल्द मिले और आपका कैरियर प्रोग्रेस करे। और क्या क्या फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम वी स्किल्स को एक अलग
या VSkills अलग स्टैंड आउट होता है मार्केट में, सबसे पहला तो यही है, इट्स अ इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके अंदर जो भी हमारे टेस्ट होते हैं वो अक्रॉस इंडिया, और अभी तो ड्यू टू पैंडेमिक ऑनलाइन हो रहे हैं, सो इट्स अक्रॉस द ग्लोब, और इसमें आपको वन टाइम फीस देनी होती है। दूसरे आप कोर्सेज देखेंगे उसके अंदर अलग अलग स्टेप्स पर अलग अलग चीजें होती हैं जिनके लिए आपको फीस देनी पड़ती है, लेकिन VSkills में जब आप एक बार रजिस्टर करते हैं आपको सबसे पहला लर्निंग रिसोर्स मिलता है जो कि ऑनलाइन ई लर्निंग, यानी यदि आप मोबाइल या लैपटॉप पे पढ़ना चाहते हो, और उसके अलावा बुक्स, हार्ड कॉपी रीडिंग मटेरियल भी भेजा जाता है, ये पहले यानी लर्निंग रिसोर्स मिलता है। दूसरा हम एग्जाम कंडक्ट करते हैं यानी असेसमेंट होता है। तीसरा आपको सर्टिफिकेशन मिलता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और चौथा आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस जो मैंने बताया आपको मॉन्स्टर इंडिया, शाइन और हमारे अपने जॉब बोर्ड से मिलता है। तो ये चारों चीजें फ्रॉम लर्निंग, असेसमेंट, सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये चारों चीजें आपको एक ही फीस में मिल जाती हैं। आपको किसी आपसे हम बीच में इस पूरे प्रोसेस में कोई सेपरेट फीस नहीं लेते हैं, और आपको सिर्फ एक ही फीस देनी होती है। यदि आप इसमें एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तब आपको बस एग्जाम रीटेक फीस देनी होती है, अदरवाइज यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। और मैंने जो आपको बताया कि हमारा वेब बेस्ड LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट होता है, ताकि कैंडिडेट उनके थ्रू गो थ्रू करके अपनी प्रिपरेशन कर सकें जो हमारे असेसमेंट के लिए, और ये टोटल होलिस्टिक अप्रोच रहती है हमारी, ताकि आप यदि किसी स्किल में अपने आप को सर्टिफाई करना चाहते हैं तो आपको लर्निंग से लेके असेसमेंट, सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट तक आपको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। और इसी वजह से हमारे पास ऑलमोस्ट 25 लाख यानी 2.5 मिलियन प्लस यूजर्स हैं, और 20,000 प्लस सर्टिफाइड कैंडिडेट्स हैं, और हम यदि देखें हमारा जो खुद का ओवर अ पीरियड टाइम जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो बनाए हैं या जो प्रैक्टिस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें 50,000 प्लस क्वेश्चंस हैं, और ड्यू टू दिस वेरी आवर अप्रोच ओनली वी हैव सीन अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन आवर सर्टिफिकेशंस, और इंडिया के अलावा अक्रॉस द ग्लोब कैंडिडेट्स आ रहे हैं। और जैसे अभी मैं आपको बताया, अभी सर ने भी आपको बताया कि जो जो भी कैंडिडेट्स SOL के यदि रजिस्टर करते हैं या इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उनको एक स्पेशल प्राइसिंग या डिस्काउंट मिलता है। तो मैं आपको बस ब्रीफ में समझा देता हूँ VSkills में कैसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप जिस भी सर्टिफिकेशन में आप इंटरेस्टेड हैं आप उस के अंदर ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे, और इसमें सेल्फ प्रिपरेशन रहती है। जैसे हमारी तरफ से लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो कि आपके ऑनलाइन ई लर्निंग के अंदर आपकी हेल्प करते हैं, आपका कोई भी डाउट होता है उसको क्लैरिफाई करने के लिए। और विद इन वन ईयर आपको एग्जाम लेना होता है। आप हमारे पहले सेंटर्स होते थे, अब ऑनलाइन एग्जाम है, और एग्जाम जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं आपको तभी ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है यदि एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, और हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट भी भेजा जाता है आपके एड्रेस पे। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है। जैसा मैं राइट साइड में देखें तो एंड्रॉयड एप्स डेवलपर करके जैसा ऑनलाइन LMS रहता है, इसमें आप अपना देख सकते हैं आपकी क्या प्रोग्रेस है, लेसन एंड क्विजेज रहते हैं, वीडियोज रहते हैं, हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज रहती है। ऑनलाइन में हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं लर्निंग में, और बुक जो है वो उसमें तो सिंपल मैंने इलस्ट्रेशन और टेक्स्ट वगैरह ही रहता है, लेकिन ज्यादातर यूजर्स किताब से पढ़ना यदि प्रेफर करते हैं तो उनके लिए हम दोनों चीजें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। और इनके अलावा मैंने बताया प्रैक्टिस टेस्ट हैं, वो सारे डोमेन्स में, चाहे HR, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, IT में हैं, उन सब पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आपने जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, आप उसे चेक कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन है इसलिए आप कभी भी कहीं भी किसी भी डिवाइस से, चाहे अपने मोबाइल से भी ये टेस्ट ले सकते हैं, ताकि आप असेसमेंट के लिए तैयार हो सकें। और जो हमारा एग्जाम प्रोसेस है, एग्जाम जो असेसमेंट जो आप देते हैं वो 1 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको सिर्फ 50% स्कोर करने होते हैं पास करने के लिए। अभी हम जैसे मैंने आपको बताया कई कॉर्पोरेट्स और हमारे कई कैंडिडेट्स अलग अलग कई टॉप MNCs कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, सेंचर, TCS, ICICI बैंक, इंफोसिस, मीन्स IT नॉन IT कंपनीज में, और हमारी एक VSkills की कवरेज भी है कई प्रोमिनेंट मीडिया ग्रुप्स हैं, मीडिया कंपनीज ने हमें कवर भी किया है हमारी ऑफरिंग्स को लेके। सो दिस इज अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन।
अच्छा रजत जी, ये जो हमारा एमओयू, उसमें हाउ मच डिस्काउंट वी हैव प्रपोज्ड? सर आई थिंक वी हैव प्रपोज्ड अराउंड 30%। ओके, तो देखिए जैसे इसमें 3000 रुपीज का कोई आपका कोर्स है, तो आपको जो हमारा ये जो एमओयू है वी स्किल्स के साथ, इसमें सिर्फ जो हमारे एसओएल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना बड़ा बेनिफिट है। ऑलरेडी द प्राइसेस आर वेरी सब्सिडाइज्ड, जैसे 3500 नॉर्मली जो मैंने अपनी स्क्रीन खोली हुई है, तो उसमें आप 30% अगर आप कर लें, 3000 का कोई कोर्स है, यू एंड अप बेसिकली पेइंग लाइक 2100 रुपीज। तो एंड 2100 रुपीज में जो आपको सर्टिफिकेशन मिल रही है, दैट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो एक सैंपल सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन भी है रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। दूसरी जो सर ने इसमें फीचर्स बताए, जैसे मैंने आपको बताया ना, और बहुत सारे सर्विस इस तरीके के स्किल्स के जो प्रोवाइडर्स हैं, या तो उसमें ड्यूरेशन काफी ज्यादा है, 10 वीक्स है, 3 मंथ्स है, 2 मंथ्स है, यहाँ पे क्या आप पेमेंट करते हैं इमीडिएटली आपको एक्सेस मिल जाता है। दूसरी अच्छी बात है, आपको ऑनलाइन मोड में पढ़ना है या आपको बुक फॉर्म में पढ़ना है, बोथ द ऑप्शंस आर देयर। अगेन इसमें दूसरी कंटिन्यूएशन में आपका जो एग्जाम है, एग्जाम डेट एंड टाइम यू सिलेक्ट, यू कैन गिव इट नाउ रिमोटली, पहले सेंटर्स होते थे। एक सर मेरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अभी वो जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो बंद हो गए, अब सिर्फ रिमोट ऑप्शन है या क्या, मतलब क्या है इसमें? जी सर, अभी हमने ऑफलाइन सेंटर्स बंद कर दिए हैं, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें ही प्रॉक्टर बेस्ड फीचर्स हैं, तो जैसे ही जैसे असेसमेंट स्टार्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है सारी फीचर्स जो कैंडिडेट जैसे जैसे एग्जाम अटेम्प्ट करता है, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी मेजर्स उसके अंदर सारे एंटी चीटिंग मेजर्स इनबिल्ट रहते हैं। चलिए ठीक, और इसमें मुझे ये प्रॉक्टर में इट इज लाइक कैमरा बेस्ड है या नॉन कैमरा? नहीं, ये दोनों डिवाइसेस के लिए पर ये अप्लाई या चलता है, और अकॉर्डिंगली जिस डिवाइस पर कैंडिडेट यूज करते हैं या एक्सेस करते हैं, अकॉर्डिंगली वो अपने आप को कॉन्फिगर कर लेता है इंटरनली, और उस अकॉर्डिंग प्रॉक्टर फीचर्स एक्टिवेट होते हैं उसमें, मतलब कि आपका इसमें कैमरा ऑन रहता है इसमें? हां जी, कैमरा ऑन रहता है इसमें, मतलब कैमरा फीचर भी है इसमें जैसे जो अटेंड कर रहा है? नहीं, इसमें कैमरा फीचर है, इसमें कैमरा फीचर है, लेकिन जैसे यदि आप यदि लैपटॉप पे दे रहे हैं उसमें कैमरा है, तब तो वो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्डिंग करता है उसकी, और यदि कैमरा यदि नहीं है जैसे लैपटॉप में या पीसी में दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंग अपने आप को खुद कॉन्फिगर कर लेता है वो, मतलब की असेसमेंट नहीं रुकेगी, ना ही वो आपको कोई हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास जैसा डिवाइस है उस पर असेसमेंट कंटिन्यू होती है। चलिए देखिए, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको कोई भी चीज बताता हूँ पहले मैं खुद करता हूँ, तो मैंने काफी सर्टिफिकेशंस किए आजकल, ये जब से कोरोना में रिमोट प्रॉक्टरिंग हुई है, कई दफे सॉफ्टवेयर के बड़े इश्यूज आते हैं, वो इंस्टॉल ही नहीं होता। दूसरी कई बार दिक्कत आती है, कई कैमरा बेस्ड होते हैं, तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट का कैमरा नहीं है डेस्कटॉप में, या उनके मोबाइल में कैमरा इशू है, या उनके लैपटॉप में इशू है, तो जो सर ने भी बताया दोनों मोड में, विदाउट कैमरा एंड विद कैमरा मोड, ये एग्जाम आप अपना ले सकते हैं। और इसमें एक अगेन अ क्वेश्चन, इसमें अगर थोड़ा आपको आइडिया, लेवल्स होते हैं स्किल क्वालिफिकेशन के, लेवल 1 to लेवल 9, इसमें जितने भी कोर्सेज हैं कुछ अगर जैसे मे बी किस लेवल तक होंगे, या ऐसा कोई इसमें ग्रेडिंग नहीं है? नहीं, हमारे हम जो सर्टिफिकेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो स्किल अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट है। जैसे यदि मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करता हूँ, अब ह्यूमन रिसोर्स में हमारे पास एक तो स्पेसिफिक टारगेटेड कोर्सेज हैं, जैसे कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, बेनिफिट्स है वो बड़ा स्पेसिफिक सा कोर्स है, वो है वो एक बड़े स्पेसिफिक फंक्शन पे है इस, और इसी के साथ हमारे पास एक एचआर मैनेजर है जो कि एक मैनेजर लेवल का कोर्स है। तो कैंडिडेट जैसे जैसे एक स्पेसिफिक कोर्स या स्पेसिफिक फंक्शन वाला कोर्स को करके दे कैन ऑल्सो गो टू अ बिगर सर्टिफिकेशन फॉर लेट्स से एचआर मैनेजर। सो ये चॉइस हमने पूरी कैंडिडेट को दी हुई है कि वो किस लेवल पर अपने आप को सर्टिफाई या असेस करना चाहता है। यदि तो वो अभी वो जिस प्रेजेंट रोल में है, जैसे फ्रॉम बिगिनर लेवल्स हैं टू लेट्स से टू जिनको 2 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप स्पेसिफिक कोर्सेज लीजिए, जैसे पेरोल है या कंपनसेशन बेनिफिट्स है, जैसे मैं ह्यूमन रिसोर्स एग्जांपल ले रहा हूँ, और जब 2-3 साल से जैसे आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है तब आप एक एचआर मैनेजर की पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तब आप ले सकते हैं एक एचआर मैनेजर का सर्टिफिकेशन, ताकि आप उससे रिलेटेड जॉब्स को अप्लाई कर सकें।
चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जैसे सामने मैं स्क्रीन पे थोड़ा देख भी रहा हूँ, जितने भी एग्जामिनेशंस हैं आपके, जहां तक मैंने कुछ सैंपल केसेस देखे हैं, सभी की ड्यूरेशन 1 आवर है, 60 मिनट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 50, एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है आपके लिए। मैंने वही बताया, लंबे प्रोग्राम नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम है और रेलेवेंट सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन पे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी मेंशन्ड है, और ये जो आपके सर्टिफिकेशन है दे कैन बी वेरीफाइड। मतलब जैसे बाहर इंटरनेशनली देर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज वगैरह, जैसे कनाडा वगैरह में आप कहीं अप्लाई करते हैं, तो वो आपके सर्टिफिकेशन जो आपके एजुकेशन क्रेडेंशियल्स हैं यूरोप वगैरह में, दे वांट टू वैलिडेट देम। तो मैंने सर से बात भी की थी, उनके वेबसाइट पे भी मेंशन है, हर एक सर्टिफिकेट कैरीज एन आईडी, और ये वेरिफिकेशन सर्विस वी स्किल्स जो आपके काउंटर पार्ट है यूरोप में या कनाडा में, वो वी स्किल्स के बेसिस के बिहाफ पे आप वो अपना वैलिडेट करा सकते हैं बेस्ड ऑन एन ईमेल। दूसरा, लर्निंग एक्सेस 27 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, लंबी ड्यूरेशंस नहीं है कोर्स की। इसी से सर एक रिलेटेड, जैसे एक तो जो प्राइस मैं देख रहा हूँ 2500 3500, आप रेंज बता सकते हो उसमें मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना है? जैसे सारे कोर्सेज मैक्सिमम किस रेंज के अंदर है? मोस्टली मैं 2499 3499 देख रहा हूँ। ये सर, ये ज्यादातर हमारे कोर्सेज 3499 यानी 3500 के हैं, कुछ कोर्सेज हैं जो 24 यानी 2500 पे हैं। तो डिस्काउंट के बाद यदि हम देखेंगे तो कैंडिडेट मैक्सिमम 3500 है जी सर। नहीं, मैक्सिमम 3500 के ऊपर भी है, लेकिन ज्यादातर कोर्सेज 3499 के हैं। जैसे हमारे मैक्सिमम कौन सा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, वो अराउंड 15000 का कोर्स है। ओके, हाँ हाँ हाँ, डिजिटल ठीक है वो। हाँ हाँ हाँ, ओके। ये किसके अंदर आएगा डिजिटल वाला? डाटा, ये आईटी के अंदर, वेब डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, सेल्स एंड मार्केटिंग, चलिए मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मीडिया में आता है, कई है इसमें जी। डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन एक है, उसमें देख लेते हैं एक बार। अच्छा, डिजिटल मीडिया भी है, डिजिटल मार्केटिंग देखता हूँ। डिजिटल, हाँ डिजिटल मीडिया भी है जी। हाँ सर्टिफाइड, ओके। हाँ, इसमें डिजिटल मार्केटिंग में सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल लाइक 14999 15000 सर्टिफाइड ईमेल मार्क। तो एक तो हो गया मेजर पूरा डिजिटल मार्केटिंग का, और फिर ईमेल, सर्च इंजन, छोटे छोटे जो उसी के अंदर स्पेशलिस्ट मॉड्यूल्स होते हैं, अगर आप मॉड्यूल बेस पे करना चाहें जैसे कोर्सेरा के अंदर होता है, या तो आप स्टैंड अलोन सर्टिफिकेशन कर लीजिए या आप एक स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन कर लीजिए। तो इसमें दोनों ऑप्शन है। मैं इवन सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी कहूंगा 15000, इट इज वेरी रीजनेबली प्राइस्ड एज कम्पेयर टू अदर जो वेंडर्स हैं मार्केट में, जिनकी सर्टिफिकेशन इवन गवर्नमेंट बेस्ड नहीं है, दे रन इन टू वेरी ह्यूज अमाउंट। ड्यूरेशन होती है उनकी 6 मंथ्स, 3 मंथ, तो यहाँ पे वो सारे इश्यूज नहीं है। बेसिकली आप फीस देते हैं, वन टाइम फीस पेमेंट है, फीस ऑलरेडी इट्स वेरी रिड्यूस्ड, और उसमें जो हमारा ये MOU है हुआ है उसमें अगेन यू गेट अ 30% बेनिफिट। तो दूसरा, इसमें सारे टाइप के प्रोग्राम्स हैं, अकाउंटिंग, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, डेटा बेस, डिजिटल मीडिया, लीगल स्किल्स, जो सब आप लोग मुझसे मिलने आते हो। कोई कहता है मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, किसी को हेल्थ में जाना है, किसी को IT में जाना है, किसी को मीडिया में, हर टाइप के यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। 60 मिनट, MCQ बेस्ड, यू चूज योर एग्जाम डेट एंड टाइम, प्रॉक्टर्ड है, मोबाइल कंपेटेबल है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, मैं आपको तो काफी टाइम से बोल ही रहा हूँ, लेकिन आज इस एक तो इस MOU से आपको एक फर्दर बेनिफिट मिलेगा। सर ने जो आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाई है, थोड़ा आपको आइडिया मिला इससे। मैं सभी से, जितने भी व्यूवर्स हैं जो इसको अभी रिकॉर्डिंग के बाद दे विल गेट टू व्यू इट, तो MOU वगैरह हमारा वी विल कंप्लीट इट विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, देन यू कैन स्टार्ट गेटिंग योर डिस्काउंट्स ऑल्सो। वॉट इज द प्रोसेस वी विल लेट यू नो। आपको बेसिकली जो भी कोर्स अच्छा लगता है आपके कैरियर पाथवे से रिलेटेड, कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है, दैट ऑल्सो वी कैन हेल्प यू। Once you get to select the course, you can get in touch with the ESL, School of Open Learning. Then we'll give you a coupon code, which will help you to get that particular discount. इसमें क्या internship का आपने जो mention किया, थोड़ा वो, is there any internship available? जैसे कोई V skills में internship करना चाहे? Sir, internships हैं, लेकिन उसके लिए हमारा online form है, जिसे candidate fill in कर सकते हैं। हमारी website पे internship का link है, और ये internship, virtual internship ही हम provide करते हैं। कि कैंडिडेट यदि किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे एक्सपीरियंस या उनका अच्छा स्किल्स हैं, जैसे अकाउंटिंग में है, फाइनेंस में है, और ये उससे रिलेटेड कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं एज एन इंटर्नशिप, सो दे कैन जॉइन वी स्किल्स एज एन इंटर्न, वी विल प्रोवाइड देम। तो उनको पहले एक महीने का उनको परफॉर्मेंस बेस्ड पहले
कंट्रीब्यूशन देना होता है, देन एज पर देयर परफॉर्मेंस उनको हम पेड इंटर्न्स ये पेड इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं। ओके, एंड पेड इंटर्नशिप में क्या अमाउंट रहता है कुछ बेसिकली, और कितनी ड्यूरेशन होती है उसकी? सर ओवरऑल पेड इंटर्नशिप की भी आगे एक महीना रहती है, और यदि परफॉर्मेंस उसमें भी अच्छी रहती है तो एज अ रेगुलर एम्प्लॉई वी एम्प्लॉय देम इन वी स्किल्स। तो पेड इंटर्नशिप में कितना दे सकते हैं जैसे, एनी आइडिया? सर यूजुअली इट्स अराउंड 7,000 to 10,000 रुपीज अ मंथ। ओके ओके, और किस टाइप का काम रहता है इंटर्नशिप में, जैसे वो जो पहला महीना है उसमें जहां मेरे को कंट्रीब्यूशन दिखानी है, मतलब व्हाट कैन बी द नेक्स्ट वर्क? महीनों में वी स्किल्स में जैसे बताएं ये वर्चुअल इंटर्नशिप रहती है, और इसके अंदर कैंडिडेट को बस अपने जो भी जैसे जो भी वी स्किल्स में कंटेंट है, कंटेंट रिलेटेड है, मार्केटिंग हमारी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, उन पर वर्क करना होता है। ओके, तो यहाँ से आपका तरफ से कोई गाइड होगा जो उनको बेसिकली, जैसे मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया, फॉर्म सबमिट करने के बाद सीवी दिया जाता, सीवी कैंडिडेट अपना सबमिट करते हैं, फिर उनसे हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं वो कनेक्ट करके उनसे समझते हैं कि उनको कौन सा फील्ड या डोमेन में वो इंटरेस्टेड है, अकाउंट्स, फाइनेंस या किसी स्पेसिफिक सेगमेंट में, लॉजिस्टिक्स में, तो जिसमें भी वो इंटरेस्टेड है, फिर उनसे उस डोमेन रिलेटेड वन मंथ के एक उनका ये इंटर्नशिप पीरियड पहला रहता है, जिसके अंदर एज पर परफॉर्मेंस उनको फिर पेड इंटर्नशिप में हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो पहला महीना शुरू होता है उसमें कोई लेटर वगैरह मिलता है जैसे शुरू में या बाद में मिलता है कि आपने एक महीने की इंटर्नशिप की? यस, इंटर्नशिप हमारी तरफ से सर्टिफिकेट भी भेजा जाता है कैंडिडेट को। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बिकॉज दे हैव एटलीस्ट कंट्रीब्यूटेड बट नॉट टू आवर लेवल दैट वी आर सीकिंग। ओके ओके, और ये वी स्किल्स कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम है, व्हाट इज दिस? सर इसके अंदर जो कैंडिडेट्स हमारे साथ एसोसिएट होते हैं और वो अपने कैंपस में इस चीज को पॉपुलराइज करते हैं, सो उनके थ्रू भी जैसे अभी हम SOL के थ्रू जैसे एग्रीमेंट में डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी डिस्काउंट जरा रिड्यूस रहती है जो कि उनके थ्रू प्रोवाइड की जाती है। Okay, और उनको भी एक सर्टिफिकेट एज अ मोमेंटो दिया जाता है दैट दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू वी स्किल्स एज अ कैंपस एम्बेसडर। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, मैं तो ये बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ये मैं आपको, क्योंकि मुझे इसकी काफी वैल्यू मालूम है। सर से तो मेरी अभी बात हुई थी, लेकिन मैंने उनको बोला ही था कि आपसे बिना बात किए मैं काफी टाइम से इसके बारे में बोल रहा हूँ। इनकी वी स्किल्स की कोई बहुत हैवी मार्केटिंग नहीं होती, जहां तक मुझे ध्यान है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे वी स्किल्स के किसी टाइम में बोर्ड लगा किए हुआ करते थे, आजकल है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वी स्किल्स का कोई हैवी मार्केटिंग नहीं होती, जरूरत भी नहीं है मार्केटिंग की, क्योंकि कोर्स सारे अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म है, और ये कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप चाहिए होती है। कुछ तो मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन ये एक आपको इंडिया बेस्ड प्लेटफॉर्म मिल रहा है इंटर्नशिप का, और सर ने जैसे बताया पहला महीना है आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, नेक्स्ट मंथ में यू कैन बी देयर ऑन अ पेड बेसिस, उन्होंने सर ने आपको थोड़ा रेंज भी दिया है, और अगर आपकी उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है देन यू कैन बी टेकन अप एज अ रेगुलर एम्प्लॉय। तो इससे अच्छी साइकिल क्या होगी कि आप पढ़िए भी, इंटर्नशिप भी आपको मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, नॉट ओनली विद इन वी स्किल, जो इनका जॉब बोर्ड है जो मेरे सामने खुला हुआ है, जॉब बोर्ड्स पे भी काफी सारी प्लेसमेंट्स की निकलती रहती हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम अस।